लोग जैसे भी लोगों को क्वेश्चन देंगे, तो आप एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए और अपना चेहरा दिखा दीजिए और डिटेल बता दीजिए, फिर मैं आपका चार्ट प्लॉट करता हूँ दूसरे लैपटॉप पे, ठीक ओके है, फिर आप बंद कर सकते हैं। ओके सर्वेश जी, ओके वेलकम। आप वेलकम। अपना नेम है SARBESH यस सर, सर्वेश, और विश्वास BISWAS विश्वास। आपकी यस सर। डेट ऑफ बर्थ? सर इट्स 24/11/1998 सर। 1998। और टाइमिंग ऑफ बर्थ? सर इट्स 7:15 AM 7:15 AM। प्लेस ऑफ बर्थ? सर इट्स डिमापुर, नागालैंड सर। दीमापुर। IMAPUR सर, MAPUR दीमापुर, नागालैंड। नागालैंड सर। एक मिनट, वेट ए मिनट, क्योंकि मेरे पास जो पहले कुछ लोगों के आए थे तो मैंने उनके स्टोर कर लिए, आपका नहीं है। आपका मैं रिपीट करता हूँ, 24 नवंबर है ना? यस सर। 24 नवंबर, नो, 24 नवंबर 1988। सर इट्स 1998 सर। 1988 ना? अच्छा सर इट्स 98, 1998 सर। अच्छा 98, ओके, मैंने गलत है, 1998। और 7:15 सुबह का, यस सर, मॉर्निंग का है, 7:15 आपका है, मेल है, और आप हो गए, प्लेस ऑफ बर्थ इज दीमापुर, DIMAPUR, यस सर। एंड इट्स इंडिया। एंड आपको अपना चार्ट का कुछ थोड़ा सा पता है कि भी आप स्कॉर्पियो असेंडेंट है? Yes, sir. It's Scorpio ascendant. Sun, Mercury, Venus in the first house, and so it's Capricorn. एक मिनट बस, एक मिनट। सर्वेश विश्वास, बी से है विश्वास ना? Yes, sir. हाँ जी, आप अपना क्वेश्चन बोलिए बेटा, मैं जो आपकी हेल्प कर सकता हूँ वो कर। Sir, can I clear UPSC exam and become Indian Foreign Service Officer? एक मिनट होल्ड कीजिएगा सिर्फ। Yes, sir. Sure, sir. एक मिनट, गैलेक्सी जी, हेलो, गैलेक्सी जी से बोल रहे हैं कौन? हेलो हेलो, आपका सर्वेश जी, आपका जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी से रिलेटेड है? यस सर। सर कैन आई क्लियर यूपीएससी एंड बिकम एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर सर? हाँ ओके, मैं देख रहा हूँ। सी यू हैव अ वेरी गुड चांस, यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ क्लियरिंग दैट, बट राइट नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम हाउ लॉन्ग फॉर दिस एग्जाम? सर आई एम गोना प्रिपेयर फ्रॉम दिस ईयर सर। यू आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग? यस सर। सी बेटा, वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट यूर राहु महादशा हैज स्टार्टेड। यस सर। एंड दिस राहु महादशा शुड बी यूटिलाइज प्रॉपरली इफ यू आर गोइंग टू कंसेंट्रेट फॉर यूर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स बाई कीपिंग यूर डिजायर इन लिमिट, देन श्योरली यू विल क्लियर दैट एग्जाम। इट्स यूर कुंडली इटसेल्फ इज शोइंग दैट सन इन असेंडेंट, जस्ट लाइक इन अ किंग साइज लाइफ यू वॉन्ट टू लीव, एंड दैट सन इटसेल्फ गिव एंड सैटर्न इन सिक्स हाउस विच गिव सर्विस टू पीपल, एंड सैटर्न इज डेबिलेटेड ऑल्सो, डेबिलेटेड मीन्स पर्सन विल गिव बेटर सर्विस टू पीपल। यू हैव ए वेरी गुड चांस एंड यू विल श्योरली डू वेरी गुड टिल 24। गैलेक्सी जी आप होल्ड कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक को ही जवाब देना है, जब मैं आपका सेकेंड क्वेश्चन आपका लूंगा, ठीक है? आपका गुड नेम क्या है सर? आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा ना, गैलेक्सी A20 आ रहा है सर। गुरविंदर सर, गुरविंदर। गुरविंदर जी, हाँ जी, ठीक है, आपकी डिटेल मेरे पास है, चार्ट प्लॉट किया हुआ, आप रहिए प्लीज है, मैं आपको बाद में लेता हूँ। ओके सर। तो सर्वेश जी, आपका क्लियर के लिए एग्जाम का जो बेस्ट पीरियड है वो स्टार्ट हो चुका है। Okay, आप दिसंबर, दिसंबर से, क्योंकि आपका राहु में जुपिटर चल रहा है, बट ओनली थिंग इज अगर आप इसको ज्यादा एंजाइटी लेके आगे बढ़ेंगे और ज्यादा मतलब एस्पिरेशन लेके बढ़ेंगे तो मुश्किल होगी। डाउन टू अर्थ, जस्ट डू योर होमवर्क। एक सजेशन मैं आपको यहाँ दूंगा इसके लिए, आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए, आप अपना थोड़ा सा
फोर फादर्स के बारे में जानते हैं ना, जिनको पितृ बोलते हैं हम? यस सर, डेफिनेटली सर. यू जस्ट ऑलवेज रिमेंबर देम एट द बिगिनिंग ऑफ द डे एंड प्रे प्रे टू योर सन एंड योर एनी देवी विच योर फैमिली वर्शिप. ओके सर. एनी फैमिली एनी डाइटी, फीमेल डाइटी, maybe any female deity in your family tradition might be there. Yes sir. You just worship that and subah ke time aap teen cheezon ka naam lijiye, surya bhagwan ka lijiye, yes sir, vishnu bhagwan ka lijiye aur apni devi ka lijiye aur jab bhi padhne baithe apne pitron ka naam lijiye aur aap by 2024 aap crack kar denge exam government job ke liye. Okay sir. So will I get the IFS post sir? Because I'm not aiming for the administrative. See, this greenery part, because Mercury retrograde is in your chart, it indicates plantation, something like that. It's indicates forest services. Okay, sir. And you have retrograde Mercury and 2-6-10. But only thing is that you have to keep control your Rahu. Okay, sir. Okay? Okay. I hope I answer your question. Okay, sir. Anything else? Because then otherwise I will move to other person. So yeah, will I be able to clear within the first attempt or so will I have to give 2-3 attempts more for clearing? This is a very good question. I will tell 1, 2, 3, 4, 5. It will ask you to give minimum 3 attempts. Because of Saturn, sir? In this sixth house. No. No, but आपको उसमें होना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि आप अभी तैयारी करना शुरू करेंगे और yes, आपकी एज जो है वो उसी विदिन लिमिट होगी. बट आई होप इन थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट, थर्ड तीन ही अटेम्प्ट मैक्सिमम होंगे इसमें या ज्यादा भी हो सकते हैं आपकी एज के हिसाब से? So it's gonna be 6 attempts. Okay, this will give you result after 3, third attempt. Okay, sir. Minimum 3 attempts you can break, but you can break also, but it requires basically 3 attempts. So what remedies, sir, do I have to do, sir? Just I told you, follow those. You are having my number, and when you clear the exam, please let me inform about that. There is no fees, there is nothing like that. If you are going to be successful in your life, I had already given remedies. If you want, I can repeat. So can you repeat the remedies once again, sir? Early in the morning when you get up from the bed, okay sir, without keeping your foot down, just pray, yes, to Lord Surya, okay sir, Vishnu Bhagwan, okay sir, and then your deity, female deity, okay sir, which is in your family, okay sir, family as per your family tradition. Again, I am saying as per your family tradition. Yes sir. I am not saying any other deity. Okay sir. Okay, and then whenever you start reading, okay sir, always remember your forefathers or your family, पितरों को जैसे हम बोलते हैं, उनको याद करो, उनको याद करो, और वो आपको attempt clear करा देंगे. So I've been doing these remedies for the past 3 years, sir. Okay, then it's very good. That means you had been associated with your family person or some family person who is guiding you, because Jupiter is along with Ketu is there in your fourth house. Somebody from your family might be guiding you, and that person is just like an you can say guide or guru to you. But is everything is okay at your home? Sir, it's okay for now. Okay, so disturbance I am seeing from your charts, that's why I asked. Yeah, something is there in the fourth house, sir. Okay, yeah, yes. So how will be my Rahu period, sir? See, this last question. I know, I will answer, beta. I know each and everything, because every planet is good, every planet is bad. If you are going to think positive, you are going to utilize positively, your results will be positive. Don't worry about that. Rahu is itself is not going to give bad results. If you are going to be disciplined in your life, you are following whatever I am saying, Rahu will give better result to you. Okay, sir. But if you goes off track, then sorry to say that you may still get in a government job, because Sun is in that, but this executive post may foreign, be... Sir, foreign service, sir. Indian foreign service. Yes, you will 100%
crack that exam. So for Saturn 6th house, will there be an issue? Because no, it's nothing. Saturn in 6th house is karka for that. You just do honestly. It shares Saturn in 6th house. You just follow the timetable, which normally IAS officer people follow for the preparation of the exams. If you are not going to follow timetable, then there is a problem. Otherwise, nothing. Okay, sir. I hope I answer your questions, and hopefully you will be clearing very soon in 23-24. I hope that I will get a good news in the month of November 2023 to January 2024. So the exchange between the first and 11th houses, will it help me to clear? Yes. Just like in. Yes. But that result may be, finally result will be there in your hand when whatever the title I had just mentioned. Before that, exam may be covered in 2020, beginning of 2023. Okay, sir. Now we are in 2022, na? Yes, sir. And you are going to start. Yes, sir. It may indicate that you may clear in the first attempt, but the score may be less. And for that, you have to go. You have to. So I'm going to give my first attempt on 24, sir. I'm going to give up. 24. That's why I already told, na, 24 time period. Okay, sir. Best time period start in December 23. Okay. November, December 23, and it will go till January 2024. Exams or exam may be in the January to May in 2024. Yes, sir. The pre is on May and the main is on September, sir. That is a good period for you, beta. Okay? Okay, sir. Okay. And remember one thing. You prepare for the government exam. Don't always take that you are going to be in elite service. Whatever the other government job you are able to clear, you first take that. I just want to mention one thing. Along with the IAS, if you are able to clear some executive post or job, you join. Okay, sir. You can sign out, beta. Because if you want, you can sign out. Okay, thank you. Thank you. Welcome. Thank you so much. You are having my number. You can always contact me. Okay, sir. Definitely, sir. Thank you so much. Okay. Gurvinder ji, aapka chat mere paas hai. Ek minute. Main open karta hoon. Namaste. नमस्कार जी. जय श्री राम. जय आपका जो चार्ट है, आप भी स्कॉर्पियो असेंडेंट है जी सर, और जुपिटर रेट्रोगेट जुपिटर आपके लगन में है. अरे लगन में सर, और सैटर्न फिफ्थ में है, वो भी रेट्रोगेट है. तो मैं आपको पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप कितनी मानते हैं दूसरों की एडवाइस? सैटर्न इन फिफ्थ हाउस नॉर्मली मेक्स सिचुएशन डिफिकल्ट. मैं अपनी सुनता हूँ, किसी की एडवाइस नहीं मानता. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. ये करैक्टरिस्टिक होती है बंदे की. ये मैं यही जानना चाहता था कि. और दूसरी बात जो है आपका, देखिए दो आपके प्लेनेट रेट्रो हैं, जुपिटर एंड सैटर्न. तो रेट्रो से प्लेनेट्स होते हैं तो बंदा राइज बहुत करता है. अगर सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है तो रेट्रो प्लेनेट होना चार्ट में बहुत जरूरी. सर मुकेश अंबानी के चलो अच्छी बात है, उनसे नहीं कंपेयर करते हैं, आप उनसे आगे जाए हम तो ये उम्मीद करते हैं. थैंक यू सर. ठीक है. और आपका जो राहु है वो 12th हाउस में है, और 4th हाउस का कोलोड राहु भी बनता है. व्हाट आर यू बेसिकली डूइंग विद द फोर्थ फॉरेन से रिलेटेड आपका क्या काम है भी? सर अभी फॉरेन से रिलेटेड कुछ नहीं है सर. करना चाहिए आपको, क्योंकि आप जब करेंगे तकदीर तभी खुलेगी. सर कपड़े पहनने का बहुत शौक है सर. वो तो ठीक है, कपड़े पहनने का वो आपका दिख भी रहा है स्टाइल से, जो दिख रहा है आपकी फोटो से हमेशा दिखता है. ये फॉरेन स्टाइल ही है ना. हाँ सर, मुझे बस बहुत अच्छा लगता है हाइजीन रहना सर, वेल मेंटेन होकर रहना. नहीं, आप ये फोर्थ हाउस है ना, ये हमारा ड्रेसिंग सेंस को भी और हमारे सुख को भी रिप्रेजेंट करता है, इसका रिलेशन फोर्थ से. बट आई एम सेइंग यू आइदर मूव टू फॉरेन लोकेशन और डू समथिंग रिलेटेड टू फॉरेन. आपकी सारी आंसर वहीं पे रुके हुए.
सर मैं बताता हूँ सर, मेरा क्या है सर, एजुकेशन कंप्लीट नहीं है सर, 12th पास हूँ। हाँ वो आपका सैटर्न है ना, वो एजुकेशन नहीं होने देता 5th हाउस में। और सर सेकंड ये है कि सर फैमिली से इतना स्ट्रांग नहीं हूँ सर, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ सर। आप स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन अपने लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं ना। हाँ सर वही है कि सर अभी 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 रेमंड के शोरूम में सर जॉब मिली मुझे, अभी आज ही मिली है सर। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, आप अपने लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ भी फॉरेन से रिलेटेड आप जॉब करने जाते हैं फॉरेन चले जाइए, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। सर लेकिन सर मेरा हिंदुस्तान छोड़ने का मन नहीं है सर, अपने कंट्री में रहना है सर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप परमानेंटली शिफ्ट हो जाइए, लेकिन एक बार जाइए तो सही। ठीक है सर, आपने कहा तो ट्राई करता हूँ। आप नहीं वहां करें तो आप फॉरेन वाली कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें, अप्लाई करें। अगर आप जाना नहीं चाहते, मैं किसी को नहीं कहूंगा कि देश छोड़ के जाए, सर मेरी इतनी एजुकेशन भी नहीं है सर, मेरे को ले ना ले फॉरेन कंट्री में। कोई बात नहीं। जिस तरह के ये जो ब्रांड है ना, ये जो आप ब्रांड वाले में कर रहे हैं, इसमें ब्रांड में फॉरेन के कपड़े तो आएंगे ही आएंगे ना, फॉरेन ब्रांड आएंगे ही आएंगे। हाँ सर बहुत शौक है सर। नहीं, आप जहां पे रेमंड में अभी काम कर रहे हैं, रेमंड इज बेसिकली इंडियन और मल्टीनेशनल कंपनी, रेमंड द इंडियन स्टोर, इंडियन कंपनी है सर। लेकिन इसका कुछ फॉरेन में भी जाता होगा, पूछना पहले। अगर सर फॉरेन मॉडल शूट 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 करते हैं सर। हाँ रिलेशन है ना फॉरेन से इसका, तो बिल्कुल आपका जब इसमें अभी आपको अभी जॉब मिली है ना, आप मुझे कुछ टाइम पीरियड के बाद, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। आपका चार्ट ये कहता है एजुकेशन, फॉरेन जाने के लिए एजुकेशन नहीं चाहिए, ओके सर। काम करने के लिए कुछ भी काम मिलता है, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप फॉरेन से मल्टीनेशनल कंपनी में या जैसे भी आपकी तकदीर बदलेगी, अभी आपका सन का पीरियड चल रहा है और वो चल रहा है आपका पिछले साल फरवरी से, और जी जी सन जी आपका 9th हाउस में बैठा है, 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है, ओके सर और ये पीरियड आपका है 2027 तक, 6 साल का है, जी। तो इसमें आप एक ट्रिप लगा लीजिए जैसे मर्जी आपको मौका मिले, आपको काम की वजह से ही मिलेगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ, अच्छा आपको काम की वजह से ही मिलेगा। और आप एक चीज मेरी लिख लीजिए, आप काम की वजह से अपने प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ेंगे, किसी ने बताया हो या ना बताया हो, मतलब कपड़ों की लाइन में 90%, 90%। सर एक ये बताइए सर। तुम्हारा कुछ विजन अलग है जो मुझे भी नहीं बता रहे होगे, कुछ विजन अलग है तो सर मेरा है, मुझे शोरूम खोलना है सर अपना, लेकिन मेरे पैसे नहीं है सर। वो खुल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। सर सर एक दो शूट करे मैंने भी, एक सर दुकान के लिए कपड़ों के शूट करे थे सर, और यार फोटो लग बॉलीवुड में जितने भी हैं वो 10th 12th वाले ही हैं, जी। ठीक है, बॉलीवुड से कुछ गहरा संबंध होते हुए दिख रहा है मुझे। मेरे को तो नहीं लग रहा सर, आप कह रहे हो सर हो सकता है आप समझिए बॉलीवुड का मतलब ग्लैमरस लाइफ से, जी। एंड यू विल वन डे 100% विल बी योर ओन बॉस, थैंक यू सर। बट उसके लिए कुछ चीजें ऐसी करनी होंगी, अपनी बातें अपने तक ही रखनी होंगी। हाँ सर वो मैं बता देता हूँ, सही कह रहे हैं आप आप अब ये वो जैसे ही बताते हो वो सब उड़ जाता है, तो फर्स्ट बिल्कुल प्रिकॉशन, जी सर। फर्स्ट प्रिकॉशन अपनी बात अपने तक ही रखनी होगी, एंड सेकंड प्रिकॉशन आपकी ये है, कुछ आपको, आप किसी को कभी चाय भी पिला के देते हो तो उसको अच्छा लगता होगा ना, उसका गले की उसकी तबीयत ठीक हो जाती होगी। सर मैं बुरा नहीं चाहूंगा, लेकिन सर मैं दिल का इंसान बहुत अच्छा हूँ सर, कुंडली नहीं में दिख नहीं रहा होगा। आप किसी को भी देते होगे ना कोई चीज रेमेडी के लिए, किसी को सेहत ठीक करने के लिए हेल्प दे देते होगे, उस बंदे का फायदा हो जाता होगा। हेल्प करती है सर, कोई हेल्प करती है सर, बंदे मुझसे पूछते हैं आज कपड़े क्या पहन के जाऊं, तो उनको उनसे लड़कियां पड़ जाती हैं। मैं यही बता रहा हूं, तो आपको इसकी नहीं, मैं इस रेफरेंस में नहीं कह रहा आपको, लेकिन ये कह रहा हूं आप दिल से उनकी सेवा कीजिए, आपको रिलीजन से रिलेटेड सेवा कीजिए, बड़े आदमियों की कुछ फूड से रिलेटेड कीजिए, और वो आपको आगे चल के फेवर करेगा। सर मैं कपड़े बच जाते हैं, किसी गरीब को दान करता हूँ सर मैं। कपड़े से बेटर कपड़े कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जैसे भी चल रहा है लोगों की जरूरत है, आप कपड़े कर सकते हैं, लेकिन केतु का जो आपका 6th हाउस में है, केतु 6th हाउस में कहता है मेडिसिंस, मेडिसिंस डोनेट किया करो, इलाज पे लोगों के बीमारी पे किस पैसा दिया करो। सर राहु 12th हाउस में है, लेकिन मुझे कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं दिए सर, नींद अच्छी कभी नहीं, तरीके से। कभी नहीं देगा, जो अच्छा काम करते राहु उनको नेगेटिव रिजल्ट देता है, इसलिए मैं राहु को सबसे अच्छा प्लेनेट मानता हूं। नहीं देता सर, सर नॉनवेज नहीं खाता, दारू नहीं पीता, मसाला कुछ नहीं खाता सर। अभी राहु का पीरियड चल रहा है, तो अगर मान लीजिए अभी आप नहीं, आपका सन का पीरियड चल रहा है, सॉरी,
सर मंगल जल्ला नहीं, आप एक मिनट मेरे को आने दीजिए। आपकी दशा में अभी सन का पीरियड है बेटा, आपका सन की महादशा 6 साल की सन की महादशा, और सन आपका 9th हाउस में बैठा हुआ है, और सन जो आपका है 5th हाउस का लॉर्ड है, और 4th हाउस में बैठा हुआ है आपका एक्सचेंज है 5th, 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड में, मून और सन में सर। हाँ, मून और सन में, उसको बोलते हैं धर्म कर्म, धर्म अधिपति योग, धर्म कर्म अधिपति योग, और वो बंदे को बहुत ऊपर लेके जाता है अगर इसी इसी रास्ते पे चलोगे तो। ठीक है, और मैंने आपको टाइम पीरियड भी बता दिया, जल्दी आपकी किस्मत बदलने वाली है, आप इसमें लग जाइए बस। आज मेरे से बात कर रहे हैं, आपने पहली जॉब ज्वाइन कर ली है। हाँ सर, शनिवार को ज्वाइनिंग है, शनिवार को ज्वाइनिंग है सर, आज कॉल आई जॉब। हाँ, जॉब आ गई ना आपने किया। आप ऐसा ही बंदा कोई लाइफ में रखिए जिसको आप मतलब मान सके या एडवाइस ले सके थोड़ी बहुत, वैसे आप लेंगे नहीं सर। की जॉब सही रहेगी सर, अभी शुरुआत करने के लिए तो कुछ तो चाहिए ना। सर एक क्वेश्चन था सर, वाइफ के बारे में सर, वाइफ के बारे में सर। 100% सुंदर होगी, लेकिन तुम्हारे अपने व्यवहार की वजह से, अगर तुम कहो कि कुछ अगर अपना ज्यादा एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर दोगे तो लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा कम सुख मिलेगा। मैरिड अच्छी नहीं सर। हैं, मैरिड लाइफ अच्छी, बेटर, सुंदर बीवी, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन तुम्हें अपने पे कंट्रोल रखना। सर मतलब कैसे कंट्रोल, कंट्रोल इन द सेंस कि भाई आपने ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। उसको भी डिग्री ऑफ फ्रीडम देनी है, एडजस्टमेंट देना, उसकी लाइफ जीने का टाइम देना। एंड सर क्वेश्चन था सर, नेचर वाइज और दिखने में कैसी होंगी सर? थोड़ा सा अच्छे परिवार से होगी, मतलब पॉलिटिकल फैमिली से हो सकती है या स्टेटस वाली फैमिली से होगी। ठीक है, और खासकर मैं आपके लिए बता रहा हूं, जिससे भी करो मल्टीपल गर्ल्स से इन्वॉल्व मत होना सिर्फ प्लेजर के लिए। सर आज तक कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी? हाँ नहीं नहीं बने ना बने, लेकिन जिससे साथ रहो श्रद्धा पूर्वक रहना, तो स्काई इज द लिमिट राइज की। डेफिनेटली। एंड सर लुक वाइज बढ़िया, जबरदस्त, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वो ईगो हो सकती है उसमें थोड़ी, क्योंकि अगर आप जहाँ काम कर रहे हो जिस ग्लैमर लाइफ से, वो लड़की पैसे वाले परिवार से होगी, जब पैसे वाले से होगी तो थोड़ा सा ईगो भी होगा। और दिखने में अच्छी होगी सर? 100% लिख के दे सकता हूँ सर। ये बता दिए सर कब तक मिलूं सर, कब तक मिलने के चांस है सर, ये बता दिए आखिरी क्वेश्चन। अभी आप काम पे ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा, धर्म कर्म आदि पे योग है, वाइफ वहीं पे मिल जाएगी आपको, वर्किंग प्लेस पे ही मिल जाएगी। सेम सिटी मैं ये नहीं कह सकता, आप कहीं पे जाके जॉब कर रहे मालिक की लड़की भी हो सकती है। नहीं सर ऐसा, सर ऐसा मत बोलिए सर, लव मैरिज है तो फिर हो सकता है ना सर। लव मैरिज है सर, सर आज तक तो कभी गर्लफ्रेंड लड़की नहीं, सर गर्लफ्रेंड नहीं बनी सर। अरे अभी आपकी शुरुआत कीजिए ना, मैं आपको ज्यादा नहीं दुनिया दिखाना चाहता, सुंदर होगी, अच्छे परिवार से होगी, मैं आपको लव के लिए बोल भी नहीं रहा, जब समय आएगा। आज आपका काम है कि पहले आप लाइफ में अपने धर्म के और अपने जॉब प्रोफेशन पे खड़े हो जाए, मेरा वही है। अगर वो साल 1.5 साल अभी ईमानदारी से काम कीजिए, यहीं पे आपको कोई जान पहचान से गर्ल आपकी जिंदगी में आएगी। अब वो कहाँ से होगी उस पे अभी बात नहीं करते हैं, बाद में करते हैं। सर एक क्वेश्चन था सर, इमोशनल होंगी, प्यार तो करने वाली होंगी सर, धोखा देने वाली नहीं होगी ना? वो मैं, वो अगर हम किसी पर, ये टू वे होता है हमेशा, रास्ता हमेशा दो वे में चलता है जी। अगर आप किसी बंदे को स्पेस दोगे, किसी बंदे को समझोगे, तो वो बंदा भी आपको समझेगा। ओके, अगर आप ही उस बंदे को नहीं समझोगे, कहीं ऐसी जगह होता है कि भाई हम उससे अपना ध्यान हटा लेते हैं, तो फिर दूसरा बंदा भी आपसे परेशान हो सकता है, अदरवाइज उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सर प्यार करने वाली होगी ना सर? हाँ जी 100%। सर इमोशनल भी? इमोशनल के लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन समझदार हूँ सर, क्योंकि सर आपने कहा था वीनस के आगे जब मून बैठता है, और सर राशि परिवर्तन करके मून वीनस के साथ भी आ रहा है, तो सर वाइफ को तो गॉर्जियस होना चाहिए काफी, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। देखिए एक ही भाव से, वो भाव में आपके जहाँ बैठे हैं वो धर्म और कर्म के भाव में बैठे जी। जो 7th हाउस का लॉर्ड है आपका, वो शुक्र बैठा है, शुक्र बैठा है सूर्य के साथ और बुध के साथ जी। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि ये मल्टीपल रिलेशन दे सकता है फीमेल्स के साथ।
या आप इसको, जैसे आप ऑलरेडी कह रहे हो कि मैं बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जी रहा हूं, अगर डिसिप्लिन लाइफ जियोगे तो आपको सुंदर वाइफ और अच्छी वाइफ मिलेगी, समझदार वाइफ मिलेगी। और सर वीनस के आगे मून का कुछ फायदा मिलेगा सर? ऑब्वियसली वो सुंदर है, चंद्रमा से दूध की जैसी बीवी होगी। पक्का सर लिख के दे सकते? हाँ, लिख के दे सकते हैं। आप मेरी फीस दे देना जब आपको अच्छी वाइफ मिल जाए। सर गारंटी सर, आप सर एक भृगु नंदी में कॉम्बिनेशन कहते हैं, वीनस मून मरकरी जब बैठता है तो उसको चीटिंग योग कहते हैं सर, डर्टी सेक्स योग। तभी मैंने आपको पहले ही बोला ना कि मल्टीपल, अगर मल्टीपल अगर रिलेशन देता है ना, बुध मल्टीपल रिलेशन देता है, बुध शुक्र के साथ बैठा हुआ है, और अगर आप दिल से अच्छे हो, चंद्रमा अच्छा भी है, चंद्रमा बनाता है योग चीटिंग के, लेकिन मैंने आपको पहले ही क्या बोला, हर बार आप सीधे रास्ते पे चलेंगे तो सामने वाला भी सीधे पे चलेगा। ठीक है सर, ठीक है, बाकी मैरिड लाइफ भी सर कोई इशू नहीं है। चंद्रमा जो है मन का कारक है, माइंड का कारक है, मदर का कारक है और सुंदरता का कारक है, उसको ये पकड़िए। अगर आप उसके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स पकड़ेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, अगर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स बन के आगे चलेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सर मुझे एक बार किसी ने कहा था, सर मुझे एक बार किसी ने कहा था कि स्मार्टनेस मेरी बहुत आगे लेके जाएगी मुझे, हाँ, वो दिख रहा है ना, दिख रहा, और तभी तो लड़की जो हो, कोई और लड़की लड़की, कोई लड़की आपको पसंद करेगी आपकी स्मार्टनेस से ही और आपकी अदाओं से ही पसंद करेगी। और कहा था कि वही लड़की आगे लेके जाएगी, सपोर्ट करेगी। ऑब्वियसली दिख रहा है, कर्मा का दिख, वर्किंग प्लेस, मैंने आपको बोला तो है वर्किंग प्लेस, मालिक, लक। क्या पता मालिक की बेटी से आपने कहा कि हो भी सकता है। आप इस पे नहीं करते, पहले आप अपना जगह बनाइए, आप जल्दी ही अपनी जगह बना लेंगे, जल्दी ही अपनी काम में अपनी जगह मिला लेंगे। मैं दो चीजें लिख के दे सकता हूँ, बीवी सुंदर होगी और आप एक दिन अपना काम स्वयं का करेंगे, अपनी अपनी आपकी शोरूम होगा या अपना जो भी बिजनेस होगा, और वो 90% चांसेस यही है कि क्लोथ से रिलेटेड होगा या फीमेल आइटम से रिलेटेड होगा, वाइफ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल 100%। अगर उस रिश्ते को निभाना तुम्हारी जिम्मेवारी, सर, बिल्कुल मेरी, क्योंकि सर सर आप सर मेरे मैंने सुनने में सिर्फ लगता है गारंटी दिया है आपकी वाइफ सुंदर होगी, उस रिश्ते को नहीं निभाओगे वो रुकेगी कि नहीं रुकेगी वो आपके ऊपर, मैं पहले बोल रहा हूं, फिर क्योंकि वो अगर आपका कहीं दिमाग इधर उधर चला गया और आप खुद फिसल गए तो दिक्कत करता है, समझो मेरी बात, इससे ज्यादा नहीं बात कर सकते क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। सर। सर अभी आपने जो मुझे फीस बताई है, हेलो जी सर, आपने जो मुझे 2100 फीस बताई थी ना सर, हाँ, वो मैं चार्ट लेता हूँ वो रीडिंग करने के, लेकिन आपकी अभी जॉब है, सैलरी मिलने दो, आप सफल हो जाओगे तो आप मेरे को फीस दीजिएगा, अभी जब मेरी सैलरी मिल जाएगी ना तो मैं नहीं, आप, जब आप अच्छी सैलरी मिल जाए, ये तो आज का मेरा फ्री है आपके लिए। नहीं आज नहीं सर, जब जब आपसे कंसल्ट कराऊंगा ना तो सर मुझे सारी बातें बताइएगा जो आप नहीं बता रहे हैं। हाँ, अभी 3 3 महीने के लिए टाइम दो, कंसंट्रेट करो, 3 महीने अच्छे से नौकरी वहां रुक के करो, जब चौथे महीने मुझे कांटेक्ट करना और मुझे फीडबैक देना जो मैंने कहा उस रास्ते पे चल पड़े हो कि नहीं चल पड़े। और सर फिर जब आपको मैं फीस दूंगा ना तो सर जो आप बातें नहीं बता रहे वो बताइए। वो तब हम बताएंगे ऑफ द टेक, उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ये सेशन मैं फ्री कर रहा हूं, तो मैं इसको रिकॉर्डिंग के लिए, मेरे को भी अपना थोड़ा सा कॉमर्शियल एंगल देखना है ना वो दोस्त, नहीं नहीं सर बिल्कुल मैं है, सेवा भी कर रहा हूँ और मेरे को लोग जानेंगे तभी मेरे यूट्यूब चैनल पे आएंगे और तभी मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। एवरी ट्यूजडे 8 to 9 आई विल बी अवेलेबल फॉर दैट, ठीक है सर, अगर मैं सही से निभाऊंगा तो वाइफ निभाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100%। मेरा एक ही मानना है, जिंदगी में हमारे प्लेनेट अच्छे हैं, अगर हम उनको अच्छे डिसिप्लिन से चलेंगे तो वो हमसे बाहर नहीं जाते। सर लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं राहु राहु जुपिटर जब बैठता साथ में तो मतलब ड्रिंक मतलब बंदर ड्रिंक करता, लेकिन सर मेरी ना कोई आदत नहीं। नहीं, नहीं, मैं ड्रिंक नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि वो आपका दिमाग भ्रष्ट करने की कोशिश करता है, मेरा नहीं हुआ सर आज तक। क्योंकि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप पाठ पूजा में विश्वास रखते हैं ना, इज्जत में करते हैं, आप वेजिटेरियन है, आप ड्रिंक्स नहीं करते, आप सेंटर में रखा हुआ है ना अपने आप को, आपका जी, आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल क्लियर। मैंने क्या कहा, जिसका सैटर्न होता है वो बहुत सी चीजें अपने मन के हिसाब से करता है और तब तक वो दम नहीं ले, शांत नहीं होता तब तक वो जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल कर ले, मेरी मित्र सर यही चीज मैरिड लाइफ में करूंगा तो लाइफ अच्छी चलेगी। 100%। मैं 100 क्या 1000% बोल रहा हूं, अगर तुम नहीं फिसलोगे तो जिंदगी गाड़ी से ट्रैक पटड़ी पे दौड़ती रहेगी, शताब्दी की तरह दौड़ेगी। सर कहते राहुल राहुल लिब्रा में होता है तो वीनस और राहु का कनेक्शन बन गया। आप उसकी चिंता मत कीजिए, बैलेंस लाइफ जीजिए ना, लिब्रा का मतलब है बैलेंस लाइफ,
संभल के चलना और संतुलन के साथ चलना, तराजू को बोलते हैं बैलेंस। नाप तोल के चलिए, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मैं इससे ज्यादा और क्या बता सकता हूँ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता सर, मुझे पता नहीं क्यों सर वाइफ, पता नहीं एक ही क्वेश्चन है कि वाइफ सुंदर मिले मिले पता नहीं। आप उस दिमाग से वो निकाल दीजिए। राहु, राहु है डिजायर, मेरी बात सुनिए, राहु है डिजायर। अगर आप एक हद से ज्यादा डिजायर अपने अंदर डेवलप कर लोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। डिजायर को कंट्रोल में रखो, बाउंड्री में रखो, जैसे घोड़े को बाउंड्री में रखते हैं। तो घोड़े में इतनी पावर है कि वो सब कुछ हासिल करता है। तुम लंबी रेस के घोड़े हो और अगर घोड़े की तरह दौड़ोगे, अपना शोरूम भी होगा, अपना बिजनेस भी होगा, अच्छी वाइफ भी होगी, अच्छी लाइफ भी होगी। आप दो चीजों का ध्यान रखो जो मैंने पहले ही बोल दिया आपको। फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम जब मौका मिले, फॉरेन का विजिट जब मौका मिले वो करो। सर लास्ट क्वेश्चन, पाठ और पाठ पूजा में जरूर रखो। सर रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। बस वो पाठ पूजा में रखो, हनुमान चालीसा तुम्हारा बेड़ा पार है। सर आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन सर, सर बहुत सी लड़कियां मुझसे अट्रैक्ट हुई हैं लेकिन सर आज तक बात नहीं बन पाती मेरी, खुद ही अट्रैक्ट होती खुद ही भाग जाती है। वो सैटर्न है ना, वो जब अगर मान लो आपको देख के आपके पास आएंगी, लेकिन जब आप एटीट्यूड में रहेंगे और अपने हिसाब से बात इस तरीके से करेंगे और वो जब आपसे बात करेगी तो उसको पता चल जाएगा तो वो नहीं आएगी। लेकिन वो आपसे जो मिलेगी, अब जो मिलेगी जब आपके जीवन में आएगी, उन सब चीजों से नहीं होगा। वो आपके जीवन में आपकी नैया पार लगाने आएगी। इसीलिए जो बाहर से आ रही है उनको छोड़। फिफ्थ हाउस रोमांस का हाउस है, लव का हाउस है, वहां सैटर्न बैठा है। सैटर्न थोड़ा सा दूर करता है इन सब चीजों से, बट रेट्रोगेट सैटर्न। लेकिन सर लव मैरिज कैसे होगी, सैटर्न बैठ गया? नहीं नहीं, वो लव मैरिज की वो अलग बात है ना, वो तो सेवंथ हाउस का जो मैरिज का हाउस है उसका तो लॉर्ड वीनस है ना। सर वीनस जो बैठा है, वीनस जो बैठा है नाइन्थ हाउस में बैठा है, लक में, फॉर्चून के हाउस में। आपका भाग्य दो तीन महीने मिल सकते, बहुत इंतजार किया। एक मिनट, अभी आपकी एज कितनी है? 28 चल रहा है, 27 चल रहा है, 27 चल रहा है ना। आप एक साल इंतजार कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको चांस मिलेगा आपको चांस मिलेगा अप्रैल के महीने से लेके मई से पकड़ लो। जी इस साल मई से लेके और अगले साल मार्च तक जी आपको चांस मिलेगा। नोट कर लेना। हाँ कर दूंगी सर, वेट करूं फिर। आप हरी झंडी देंगे? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ अगर वो फॉरेन से रिलेटेड है, मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड है या उनका इस तरह का काम है तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं तो वेट कीजिएगा। तो गॉर्जियस होगी ना पक्का? कोई नॉर्मल गर्ल आपके पास नहीं आएगी, शादी भी अच्छी लड़की से होगी 100%। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ओके जी। ये आज का तीसरा क्वेश्चन होगा, यानी ये तीसरे पर्सन का चार्ट का जो क्वेश्चन है उन्होंने मुझसे पूछा था, व्हाट्सएप किया था। उनका नाम शुभम मंडल है और उनकी डिटेल तो मैं नहीं शेयर कर रहा हूँ अभी। उनका क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट जॉब जो है इस जातक की अवश्य लगेगी, लेकिन अगर मैं जो देख पाता हूँ वो यही है कि गवर्नमेंट जॉब या तो इनकी होगी या इनके पिताजी की होगी। अगर इनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो इनकी जॉब गवर्नमेंट की लगनी मुश्किल है। ये कोई काम कर सकते हैं गवर्नमेंट से संबंधित, लेकिन डायरेक्टली जॉब इनकी लगनी मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ये अभी ऑनलाइन नहीं है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरा ही मानना है कि इनकी जॉब, इनके चार्ट में गवर्नमेंट जॉब का बहुत ही बढ़िया योग है और गवर्नमेंट जॉब इनकी तभी हो सकती है जब इनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे।
अगर इनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे तो इनकी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस उतने कम हो जाते हैं, ये गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम कर सकते हैं या उस स्टेटस की जॉब नहीं मिलेगी। तो मेरा ये जो शुभम मंडल के लिए है, क्योंकि ये वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा, ये वेस्ट बंगाल से हैं, अगर इनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे तो इनकी गवर्नमेंट जॉब अवश्य लगेगी, अगर पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे या हैं तो इनके पिताजी का ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में होने की वजह से इनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी, लेकिन ये किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इनके क्वेश्चन का जवाब दे दिया। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, किसी ईमेल का क्वेश्चन है, मैं उनकी नाम और डिटेल नहीं बताता, लेकिन ये है कि भाई अगर उनका, उन्होंने मुझसे पूछा है शादी के लिए, और वो पहले भी मेरे से पर्सनली वो फोन पे कर चुके हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन लिया क्योंकि ये सेशन में है और इस सेशन से रिलेटेड मुझे जो भी आज चार्ट आए हैं, चारों चार्ट का मैंने रिकॉर्ड करना है। इन नेटिव का जो गर्ल का है, जो मैरिज को लेके इन्होंने मुझसे पूछा है, तो इनकी जो एज, जो अभी करंटली एज जो चल रही है 5 और 22, यानी 27th ईयर चल रहा है, और 27th ईयर में इनकी जो शादी मुझे लगती है 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
चार्ट के द्वारा देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी शादी के योग मेरे हिसाब से जो मैं कुंडली में देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से कम बनते हैं, या तो इनकी शादी एक आप कह सकते हैं कि अर्ली एज में होती तो वो अर्ली एज वाला जो टाइम पीरियड है वो यही कह सकते हैं कि जब इनकी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अगर इनकी शादी 20 साल में हो सकती थी, अगर वो 20 साल वाला टाइम जो निकल गया है, देखिए किसी भी लड़की के लिए बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन होता है कि उसकी शादी कब होगी, लेकिन अगर मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो मेरा जवाब देना फर्ज बनता है। इस चार्ट के हिसाब से इसको हम कह सकते हैं कि शादी के जो जो चांसेस हैं वो आफ्टर 30 ईयर्स हैं, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि आजकल 30 ईयर्स कोई ज़्यादा लेट भी नहीं माना जा सकता। तो ये उत्तर प्रदेश के दिव्यापुर के किसी लड़की की कुंडली है, तो इसके लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ कि भाई इनकी शादी जो है वो 30th ईयर के बाद होगी, जब इनका 31st ईयर स्टार्ट हो जाएगा। और हो सकता है कि भी मैं गलत हूँ, क्योंकि अगर कोई नेटिव चाहता है कि उसकी शादी जल्दी हो और तो अवश्य जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि 27-28 साल में हो जानी चाहिए जैसा बंदे की इच्छा है। बट मुझे जो चार्ट में दिखा, मैं इसमें 31st ईयर में मुझे दिखता है स्ट्रॉन्ग चांसेस जो दिखते हैं, या पहले जो शादी थी वो 20-21 साल में होनी चाहिए थी, अब वो जल्दी तो नहीं हुई है, तो अब जो आज का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से मैंने आपको ये बताया। तो दोस्तों आज मैं ऑनलाइन रहा, आज मेरा पहला आप कह सकते हैं सर्विस में चार्ट रीडिंग का फर्स्ट डे था, फर्स्ट ट्यूसडे से मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी तक मेरे पास कोई चार्ट नहीं आए हैं, और अभी जो है अराउंड 45 मिनट्स हो गए हैं, 1 घंटे का सेशन है, अभी कोई पाइपलाइन में और नहीं है मेरे पास चार्ट, अभी ना कोई क्वेश्चन है, किसी व्हाट्सएप भी नहीं किया है, और मैं सिर्फ व्हाट्सएप और आप कह सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे जो जूम आईडी पे लॉगिन हूँ, जहाँ पे मैं आंसर्स करता हूँ। अगर जिनके अगर चांस नहीं मिला है या आज वो पहली बार कोई संकोच कर रहे थे, तो आपको ये वीडियो कल मिलेगा YouTube पर, इसको आप देख के अगर आप इंटरेस्टेड हैं और हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप अपने जीवन से संबंधित हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।